नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम फिर से वही लेसन 5, क्या यह एक जैसा दिखता है, डज इट लुक द सेम, करने वाले हैं। तो आज हम पेज नंबर करेंगे 80, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन आप पिछला भी देख सकते हैं कि 79 में हमने क्या किया था, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि हमने 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी अंक संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी की वैसी ही लगे। तो हमारे पास कौन कौन सी वह संख्या आई थी जो आधा घुमाने पर वैसी की वैसी दिख रही थी? तो 2 अंकों की संख्या थी 11 और 8। ठीक है बच्चों, और 3 अंकों की जो संख्या थी आधी घुमाने पर हमारे पास थी 101, 111, 181, जो आधा घुमाने पर हमें सेम वैसे की वैसी ही दिख रही थी 808, और थी हमारे पास 818, और थी 888, ये संख्या थी। और 4 अंकों की संख्या जो आधा घुमाने पर हमें सेम वैसे की वैसी दिख रही थी वो थी 1001, 1111, और थी हमारे पास 1881, और अगली थी 8008, फिर थी 8118, और लास्ट थी हमारे पास 888, जो आधा घुमाने पर हमें वैसी की वैसी दिखाई दे रही थी। तो आओ हम अगला पेज नंबर करते हैं, पेज नंबर 80। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे चित्र है जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे दिखाई देंगे। तो बच्चों, हम इस वाले चित्र को देखते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखो और इसे आधा घुमाकर देखो। आधा घुमाना मतलब ये वाला पोर्शन नीचे लेके आए। तो आओ देखें आधा घुमाने पर। तो बच्चों, ये चित्र हमें वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो पहला चित्र आधा घुमाने पर सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो ये ठीक है। अब सेकेंड वाली पिक्चर को देखें। अगर मैं इस पिक्चर को हाफ टर्न करती हूँ तो ये क्या हमें वैसी की वैसी दिखाई देगी जैसे अभी दिखाई दे रही है? तो आओ घुमाते हैं। तो ये भी वैसी की वैसी घुमाई, मतलब वैसी की वैसी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है बच्चों, अब अगला है, अगली वाली पिक्चर देखो, ये वाली, ये तो नहीं है जो हमें वैसी की वैसी दिखाई नहीं दी। अब ये वाली पिक्चर है, इसे हम हाफ टर्न करते हैं और देखते हैं क्या सेम वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो आओ घुमाते हैं। तो मैंने ये टर्न की, तो ये टर्न करने पर हमें वैसे की वैसी ही दिखाई दे रही है। सेम प्लस का निशान वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी वो पिक्चर सही है जो हाफ टर्न करने पर हमें सेम दिखाई दे रही है। अब अगली पिक्चर है, तो ये आ गया राइट इसका। अब पी को आधा घुमाओ, इस वाली पिक्चर को हाफ घुमाओ, तो हमें क्या पी ही नज़र आएगा? नहीं। तो ये हाफ टर्न करने पर हमें वैसे की वैसे नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो एरो का निशान है, इसे हाफ टर्न करते हैं। हाफ टर्न मतलब किताब को पूरा इस तरह से टर्न करना है। तो ये एरो का निशान अब नीचे को आया। ठीक है, तो हमारे पास ये हाफ और ऊपर को ब्लैंक था, ये तो वैसे का वैसा नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इस वाली पिक्चर को हाफ टर्न करते हैं और ये देखते हैं कि वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। तो ये वाली पिक्चर देखते हैं अब हम, तो ये फ्लावर बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। जो डार्क शेड आपके लीफ थे इसके, वो वहीं के वहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये भी सेम नज़र आ रही है ये पिक्चर। अब ये वाली पिक्चर देखेंगे हम, क्या ये हाफ टर्न करने पर वैसे की वैसी नज़र आती है? तो आओ देखते हैं। नहीं बच्चों, ये वैसे की वैसी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास ये थोड़ा जुड़ा हुआ क्लोज था और यहाँ पे ये स्ट्रेट थी, तो ये हमारे पास वैसी नज़र नहीं आ रही है, सेम पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। अब इस वाली पिक्चर को देखेंगे कि ये वाली पिक्चर हमें सेम वैसी नज़र आएगी हाफ टर्न करने के बाद। तो आओ देखते हैं। हाँ, तो ये तो सेम हाफ टर्न करने पर, आधा घुमाने पर हमें पहले जैसी ही दिखाई दे रही है। तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी पिक्चर्स थी जो पहले जैसी दिखाई दी? ये वाली, ये प्लस की वाली, और ये फ्लावर, और ये वाली पिक्चर, थ्री जो हमारे पास इमेजेस है वो सेम पहली जैसी ही दिखाई दी। तो बच्चों, आप भी अपनी कॉपी पर इसको कर सकते हैं। 3 पिक्चर्स नहीं बेटा, 4 है, ये वाली, प्लस वाली, फ्लावर वाली और ये वाली, ये 4 पिक्चर्स हमें सेम नज़र आई हाफ टर्न करने पर।
अब है एक्टिविटी टाइम। तो बच्चों ये वाली एक्टिविटी आपने अपने घर पे खुद करनी है, इसको रीड करना है, इस पेज को 80 और 81 पे जो ये दे रखा है, इसमें पवन चक्की कैसे बनानी है वो सिखाया गया है। बहुत ही इजी है, कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसको फिर मोड़ देना है और जो हाफ ये आपके पास जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको काट लेना है, ठीक है। फिर ये एक तरह से स्क्वेयर शेप में आपके पास ये पेपर बन जाएगा, ठीक है। और इसको फिर इसे लाल लाइनों पर मोड़ो और फिर आपको क्या करना है, टर्न करना है इसको अच्छे से मोड़ के, चारों तरफ आपके पास लाइनें बन जाएगी और लाल लाइनों पर कागज़ को काटो जब तक कि तुम गोले तक ना पहुंच पाओ। तो आपने आराम आराम से काटना है, मतलब इसको सर्कल को पूरा नहीं काटना, सर्कल तक आराम आराम से इसको काटना है। आपके पास ये चार खाने जो है ये कट जाएंगे। फिर एक पिन लेकर कागज़ के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद करना है, इस तरह से मोड़ना है और आपके पास अब ये जो है अब कागज़ के कोनों को इस तरह से मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हो, ठीक है। तो और बच्चों पिन को सभी छेदों पर डालकर डंडी पर लगा दो, तो ये आपके पास पवन चक्की बन जाएगी। तो आपने ये कोशिश करनी है इस पवन चक्की को बनाने की। अब आगे है एक चौथाई घुमाओ। अब एक चौथाई घुमाओ क्या होता है, तो पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि एक चौथाई घुमाओ का मतलब क्या है। तो बच्चों मेरे पास, मैंने ये सर्कल है एक लिया हुआ, इसे मैंने फोर पार्ट इसके बना दिए हैं, ठीक है। मैंने बीच से इस तरह से इसको कर दिया है, पहले इस तरह से इसको हाफ किया और इस तरह से मोड़ा। तो जब हमने इस तरह से मोड़ लिया, आपके पास ये निशान से बन जाएंगे, यहाँ पर आपने लाइनें लगा देनी है, ठीक है। तो जब ये लाइनें लग गई इस तरह से, तो आपके पास ये फोर पार्ट बने हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जब ये वाला पोर्शन यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका मतलब ये एक चौथाई इसका इसको हमने टर्न किया, घुमाया। तो जैसे मैंने इसको यहाँ निशान लगा दिया है, अब मैं इसे इस तरह से घुमा रही हूँ, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये एक चौथाई घुमा है, ठीक है। अब इसको अगर एक चौथाई फिर से घुमाना है तो ये सिर्फ एक पोर्शन तक घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये सिर्फ ये आ गया इस तरह से, तो ये एक चौथाई घुमाओ फिर से हो गया। अब इसको फिर से मैं टर्न करूँगी तो ये ऐसे घूम गया और यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये फिर से एक चौथाई घूम गया। तो ये है एक चौथाई घुमाने के बाद आपको ये कैसे दिखाई देगा, ये आपने समझना है। हमारे पास भी एक यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, घुमाने से पहले ये एक चौथाई घुमाने से पहले देखो कैसी थी, ऐसी थी, और एक चौथाई घुमाने के बाद भी कैसी आई, ऐसी आई, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये घूमने के बाद भी देखो हमें वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही है। मैं फिर से समझा देती हूँ कि जैसे ये वाला जो पोर्शन था जब वो यहाँ आ जाएगा, तो आप देखो ये यहाँ आ गया ना, ये इस वाले पोर्शन पे आ गया, तो ये एक चौथाई घुमाओ आ गया। मैं इसको जो मैंने बनाई है वो यहाँ देख लो, अब ये वाला पोर्शन जब यहाँ हमारी इस डायरेक्शन में पहुँच जाएगा तो ये एक चौथाई इसे घुमाओ कहा जाएगा। तो देखो ये घुमाने के बाद भी सेम वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही है। अब आपके पास अगले नेक्स्ट पेज 82 पेज पे क्या दिया है, क्या यह पंखा 1/4 घुमाने के बाद पहले जैसा दिखाई देगा, पीले वर्ग में चित्र बनाओ। तो ये कैसे करना है, आप देखो एक चौथाई घुमाने का मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आप इसके फोर पार्ट कर लो, जब फोर पार्ट कर लेंगे इसका मतलब ये वाला पोर्शन घूम के यहाँ जैसे आ जाएगा। तो आपके पास ये वाला पोर्शन तो कैसा है, ब्लू कलर का, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ ये भी ब्लू कलर का आएगा, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है, येलो कलर का। तो इसका मतलब ये पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर भी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने ये बनाया है, आप देखो ये क्या है, मैं इसे कह रही हूँ कि अब इस इमेज को एक चौथाई घुमाओ और देखो कि एक चौथाई घुमाने पर क्या ये पहले जैसे दिखेगा। तो एक चौथाई घुमाने का मतलब कि ये वाला पोर्शन सिर्फ एक टर्न मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखो ये ऐसे, तो ये क्या पहले जैसा दिखा, नहीं ना, क्योंकि ये ग्रीन कलर पहले यहाँ जैसे था और अभी ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया, तो ये पहले जैसा नहीं दिखा, ठीक है बच्चों। तो अब है अभ्यास का समय, इसमें इसे आप भी स्वयं करेंगे और देखेंगे कि नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन कौन सी आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई देगी, उस पर टिक करना है, ठीक है। और आधा घुमाए जाने पर जो आकृतियाँ पहले जैसे दिखाई नहीं देगी उस पर गलत का निशान लगाओ। ये आधा नहीं होगा, यहाँ पर 1/4 ही आएगा कि 1/4 घुमाने पर कौन सी आकृतियाँ हमें घुमाने पर एक जैसी नहीं दिखाई देती है। तो वो करते हैं हम,
तो आप देखो, अगर जब मैं इसको एक बटा चार घुमाती हूँ तो ये वाला पोर्शन यहाँ है ना, और अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगी इसको तो ये सेम दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये सेम नहीं दिखी। तो इसका मतलब ये एक बटा चार सेम उसी तरह की नहीं दिखेगी, ये भी एक बटा चार घुमाने पर वैसी की वैसी नहीं दिखेगी। अब देखो, इसे भी जब हम एक बटा चार घुमाएंगे ये वैसी की वैसी नहीं दिखेगी, लेकिन जब इसे एक बटा चार घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ जैसे देखो ये आ गया यहाँ जैसे, तो ये सेम वैसी की वैसी दिख रही है और ये ठीक है। अभी आपके पास ये इमेज फाइव है, इसे आप देखें क्या ये एक बटा चार घुमाने पर हमें सेम दिखाई देगी, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास ये ऐसी दिखाई दे रही है, आप देखो ऐसी दिखाई दे रही है, तो ये सेम पहली जैसी नहीं है, तो ये भी नहीं दिखाई देगी। और आपके पास जो इमेज सिक्स है, ये वाला पोर्शन यहीं पे आएगा तो ये सेम दिखाई देगा, ये ठीक है। और हमारे पास जो ये इमेज सेवन है, ये आप देखो इसे हम जब एक चौथाई पे घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो ये सेम वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन व्हील एक चौथाई घुमाने पर सेम दिखेगा। तो ये एक्टिविटीज़ आप घर पर करें और कोशिश करें कि एक बटा चार घुमाने पर हमें कैसे दिखाई देती है। ठीक है बच्चों।